सगड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत व बजट संबंधी संबोधन का प्रसारण। मेजबान सूर्या ब्रदर्स ने जीती शीतकालीन क्रिकेट ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट व आत्मनिर्भर भारत संबंधी संबोधन का सीधा प्रसारण क्षेत्रीय भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा विश्राम गृह परिसर संगड़ाहा में LED स्क्रीन के माध्यम से देखा गया। वरिष्ठ भाजपा नेता बलवीर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रूप सिंह व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर सहित भाजपा रेणुका जी मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संबोधन के बाद भाजपा नेता बलवीर चौहान ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष का ये बजट ऐतिहासिक है और इससे किसान और मजदूर जमात सहित देश के सभी वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और 7 साल पहले जहां देश की GDP 1,10,000 करोड़ थी, वहीं अब बढ़कर 2,30,000 करोड़ हो चुकी है। इस अवधि में देश का एक्सपोर्ट भी 2,85,000 करोड़ से बढ़कर 4,70,000 करोड़ पहुँच चुका है, जो देश के लिए गौरव का विषय है। मेजबान सूर्या ब्रदर्स ने जीती शीतकालीन क्रिकेट ट्रॉफी। विजेता टीम को 35,000 तो उप विजेता को जारी किया गया 15,000 का नकद इनाम। मंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले चुनुई गांव में आयोजित शीतकालीन क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मैच में मेजबान सूर्या ब्रदर्स चुनुई ने यारदा टीम को 15 रनों से हराकर प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। सप्ताह भर चले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों की 3 दर्जन टीमों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया। विद्युत विभाग के SDO चारना अभिलाष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और विजेता व उप विजेताओं को सम्मानित किया। क्रिकेट क्लब पदाधिकारी राजीव बीलम व दिनेश आदि ने बताया कि हर साल यहां खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सरकार के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कि हमारे इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे इस बजट प्रावधान के जरिए हमें आत्मनिर्भर के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था को जो है आगे ले जा रहे हैं, हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हमें भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं यहाँ उपस्थित अपनी पार्टी के सभी नेतागण, जिसमें पूर्व विधायक रूप सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रताप तोमर जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला के महामंत्री श्री कमलराज वर्मा जी, श्री ईश्वरदास कमल जी, मनोज ठाकुर जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।